हेलो हाय गाइस एवरीवन, सब लोग कैसे हो? ऑल मोबाइल अनबॉक्सिंग यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज का रियलमी का नार्जो 70 प्रो 17 प्रो का अनबॉक्सिंग करेंगे और उसके बारे में जानेंगे कैसा फ़ोन है, कैसा फीचर है और किस तरह का फ़ोन ये आता है। ये फ़िलहाल न्यू फ़ोन है, 19 मार्च 2024 को लॉन्च हुआ, ज़्यादा समय नहीं हुआ और उसमें लुक और डिज़ाइन दिया है 11 प्रो जैसा। और ये 20,000 रुपये का फ़ोन कंपनी ने निकाला, फिलहाल बहुत अच्छा, एकदम फ्लैट में आया है डिज़ाइन में और डिज़ाइन लुक से बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि पीछे एकदम राउंडिंग में कैमरे के साथ में उसने 4 कैमरे की तरह एकदम डिज़ाइन और लुक से दे दिया है। मेन चीज़ उसमें क्या क्या चीज़ है मैं इसके बारे में बता देता हूँ, और बहुत अच्छा है और ज़बरदस्त है ये, और लुक से भी और डिज़ाइन से भी। इस 70 प्रो में फिर आपको मैं इसके बारे में बता लेता हूँ कि डिस्प्ले किस तरह की आती है। तो डिस्प्ले 6.7 इंच की एमोलेड डिस्प्ले आती है, 120 GHz का रेफरेंस रेट है और HD+ डिस्प्ले जो एकदम क्वालिटी में बहुत अच्छा आएगा, वीडियो रिकॉर्डिंग है, फोटो के मामले में वीजियो हल लेंस विद पंच डिस्प्ले आती है। पीछे के 3 कैमरे मेन 50 का 8 का 2 का LED फ्लैश और फुल HD में वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम है। सेल्फी 16 की है, वो भी 5000 mAh की बैटरी है, 67 वोल्ट का सुपर वक करके चार्जिंग आता है जो फास्ट चार्जर होगा, 5G फोन सपोर्टेड है। 5G सपोर्ट नहीं, 5G ही फोन है, क्योंकि 20,000 की रेंज में आप बाकी कंपनियों के कंपेयर में, और ये रियलमी ने बहुत बड़ा ज़बरदस्त प्रोसेसर वाला और एमोलेड डिस्प्ले वाला फ़ोन निकाला है, बहुत एकदम अच्छा है, क्योंकि फिलहाल ये प्राइस में बहुत अच्छा है। 20 में आप बाकी कंपनियों में कंपेयर में जाओगे तो उसका जैसे मेगापिक्सल का जो काम है, PPI भी बहुत ज़बरदस्त है, 395 की PPI आती है और ये वेट में थोड़ा सा ज़्यादा है, कि 195 ग्राम का वेट आता है उसका, तो थोड़ा वेट में फ़ोन है, बाकी 180 है, 170 है, ये 195, क्योंकि बैटरी बैकअप बहुत ज़्यादा है, तो इसके हिसाब से उन्होंने कंपेयर में ये दिया है। इसके कंपेयर में जैसे अपने फ़ोन की बात करते हैं, रियलमी 12 प्लस है, IQ Z9 है, T3 है वीवो का, ये सब 20,000 की रेंज के मैं आपको फ़ोन दिखा रहा हूँ। रियलमी 70 प्रो है, तो ये इसके सारे कंपेरिजन के फ़ोन है कि भाई इतने सैमसंग में, जैसे आप सैमसंग ने बहुत कम ही दे दिया कि F15 आया, तो F15 तो उसकी कंपेयर नहीं कर सकता, परंतु तो कंपनी का बताना ये उसका है कि फिलहाल ये इतने में आता है। और अदरवाइज अपने डिवाइस की बात करते हैं तो डिवाइस बहुत अच्छा है, अभी फिलहाल न्यू लॉन्चिंग है रियलमी UI करके, एंड्रॉयड 14 अपडेटिंग सिस्टम है, 8 GB प्लस 4 GB एक्सटेंड भी उसमें आता है, 8 प्लस 4 12 हो जाएगा और 128 GB रैम के साथ में। बाकी जैसे अपने डिस्प्ले की हाइट की बात करते हैं, 162 mm है, वेट है जैसे 175 mm है, और कलर की बात करें तो ग्रीन आता है और गोल्ड आता है, और जैसे स्प्लेन फोर्ड में करके डस्ट ड्रॉफ है, जैसे नॉर्मली कैमरा पीछे का मेन 50 का है तो 1288 वाइड एंगली कैमरा है, तो बाकी ऑल ओवर से देखा जाए तो फ़ोन बहुत बड़ा ज़बरदस्त है और कैमरा क्वालिटी बाकी सारी चीज़ों से फ़ोन अच्छा है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। बहुत सारे मैंने टेक्निकली ये चैनल पर, मेरे ऑल मोबाइल अनबॉक्सिंग चैनल पर दुनिया बहुत फ़ोन है, करीबन 1200 मैंने डाले हैं, और मैं इधर पर बहुत न्यू न्यू जैसे डिवाइस आते हैं उसका मैं हमेशा करके डालता रहता हूँ। आप एक बार मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक भी करना, शेयर भी करना, और अभी बहुत सारे मैं चैनल कोई आपको ऐसा लग रहा हो तो उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा और जो कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।